आईपीएल में दिल्ली कैपिटल ने तूफानी खेल दिखाते हुए केकेआर को दी शिकस्त। दिल्ली ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर बनाए 215 रन। दो हार के बाद जीत की पटरी पर लौटी ऋषभ पंत एंड कंपनी। दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ ने खेली 29 गेंद पर 51 रन की विस्फोटक पारी। अपनी पारी के दौरान पृथ्वी ने 2 छक्के और 7 चौके लगाए। शॉ के अलावा डेविड वार्नर के बल्ले से बरसे रन। वार्नर ने 45 गेंद में बनाए 61 रन। दिल्ली के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने छक्का लगाकर पूरा किया अर्धशतक। अगली ही गेंद पर हुए आउट। श्रेयस अय्यर 33 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप यादव ने भेजा पवेलियन। आईपीएल में 11 अप्रैल को खेला जाएगा सिंगल मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने होगी गुजरात टाइटंस की चुनौती। गुजरात ने टूर्नामेंट में नहीं गवाया एक भी मैच। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री ने सीएसके पर दिया बयान। कहा रविंद्र जडेजा को धोनी की जगह नहीं बनाना चाहिए था कप्तान। फाफ डु प्लेसिस को नहीं करते टीम से रिलीज। प्लेसिस को देते कप्तानी का जिम्मा। फाफ इस वक्त आरसीबी टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं। जडेजा की कप्तानी में टीम लगातार 4 मैच हारी। विराट कोहली को आउट देने के बाद विवाद पर आरसीबी ने दी सफाई। आरसीबी ने विराट के साथ एमसीसी के नियम की तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोहली को शानदार पारी के बाद निराश होकर वापस लौटना पड़ा। विराट ने 48 रन की पारी खेली। क्रिकेट का नियम 36.2.2 कहता है कि अगर गेंद स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे शख्स के बल्ले और शरीर से एक ही समय पर लगती है तो फिर इसे बैट फर्स्ट माना जाएगा। मुंबई इंडियंस की चौथी हार पर बोले क्रिकेट निदेशक जहीर खान। अभी टीम के 11 लीग मुकाबले और खेलने हैं। जहीर के मुताबिक टीम को एक जीत से मिलेगा हौसला। मुंबई को आरसीबी ने 7 विकेट से हराया था। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने शुभमन गिल की जमकर की तारीफ। शास्त्री के मुताबिक गिल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों में से एक है। फैंस उनकी बैटिंग देखने के लिए खर्च करते हैं पैसा। 12 अप्रैल को जेसन बेरेनड्रोफ खेल सकते हैं आईपीएल का पहला मैच। आरसीबी ने इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 75 लाख में खरीदा था। बेरेनड्रोफ क्वारंटाइन और जल्द अपना पहला मैच खेलने उतरेंगे। इमरान खान के बाद अब रमीज राजा की होगी पीसीबी से छुट्टी। रमीज राजा को बीते साल पीसीबी चीफ बनाया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का है। हालांकि इमरान खान की सरकार गिरने के बाद राजा का पद पर रहना भी मुश्किल नजर आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की हालत नाजुक। अफ्रीका ने बढ़ाई बढ़त। बांग्लादेश की पहली पारी 217 रनों पर सिमटी। क्रिकेट धमाका प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद।